श्रीकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं कानपुर। तो कानपुर का व्लॉग आज से स्टार्ट हो गया है, तो आपको घुमाने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह। अब तो स्टेशन से अभी निकले हैं बाहर, तो अभी का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ का आपको दिखाते हैं, कहाँ पर स्टे करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और अभी देखो जी, ऑटो हमने बुक कर लिया है इस तरह का, अभी ड्राइवर हमारा दूसरा ऑटो वाले को डायरेक्शन देने गया है, तो लगेज वगैरह हमने पीछे भी लगाया। इस तरह के ऑटो वगैरह आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो मौसम, हाँ वेदर देखो, पानी देखो यार, इधर पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश बारिश हो रखी है। तो ये तो ऑटो इस तरह के ऑटोज वगैरह मिल जाते हैं बहुत ईजीली, बैटरी वाले भी मिल जाते हैं, इस तरह के मिल जाते हैं। बाहर हवा चल रही है पर हमें गर्मी लग रही है थोड़ी, सामान वगैरह लेके आए ना। तो चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते का व्यू और जहाँ हम लोग घूमेंगे वहाँ आपको ले चलेंगे। स्टेशन से देखो जी, आउटसाइड का व्यू दिखाते हैं, होटल स्टेशन व्यू। ये देखो जी, रूम यहाँ पे डबल 700 रुपये, 500 रुपये, 275 रुपये, बहुत सस्ता है। और रोड इस तरह का आप देख सकते हो, जब हम निकलते हैं स्टेशन की तरफ से, हम बैक साइड से निकले हैं स्टेशन के, तो उधर का इस तरह का व्यू है। होटल्स वगैरह ये देखो, होटल आपको साथ ही मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पर आते हो ना। ये देखो जी, और यूपी फाइनली हम आ गए हैं। तो गाइस ये वाला हम चौक आ गए हैं, ये देखो जी वो घंटाघर वगैरह है, और ये देखो जी बाग बना हुआ है, लेकिन इंडिया वाला जो साइन था। ये देखो जी मेट्रो बसेस भी हैं यहाँ पे। सो ये चौराहे से आपको देखो मुलगन चौराहा और अलग अलग जगह। अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, इस तरह के ऑटो जो ये वाले होते हैं ये कहीं नहीं मिलते यार, ये सिर्फ यूपी में होते हैं। ये देखो जी, ये डीजल वाले हैं ना, सीएनजी वाले हैं ऑटो, और इसको भी बैठ के दिखाएंगे आपको। और जो होटल अब यहाँ से स्टार्ट हो गए, कैमरेज वगैरह भी लग चुके हैं, मतलब रूल एंड रेगुलेशन के मामले में भी अब कानपुर अच्छा हो रहा है। तो अभी ये देखो जी ऑटो वगैरह कैसे पास कर रहे हैं, और चलो आगे आगे चलते हैं। जैसे जैसे मैं चलूँगा मैं आपको सारा ही व्यू दिखाऊँगा यहाँ का। ये पर मैक्सिमम देखा मैंने, ये वाले ई रिक्शाज वगैरह, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज वगैरह यहाँ पे काफ़ी चल पड़े हैं। ब्लू वाले जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सीएनजी है, बैटरी वाले हैं, हर तरह के आपको मतलब यहाँ पे ऑटोज वगैरह मिल रहे हैं। ये वाला ऑटो, ये वाला सीएनजी, ये यहीं पर मिलते हैं यार। मज़ा आ रहा है अशु भाई, मज़ा आ रहा है, मज़ा इंजॉय सबसे ज़्यादा यही कर रहा है। ट्रेन में भी इसने बहुत धूप फान करी है, इंजॉय कर रहा है। ये देखो जी टांगा, टांगा ये एक और टांगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ओह टांगे गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो जी अफीम कोठी, ये देखो जी अफीम कोठी, अफीम नाम क्या पड़ा हुआ है वाह। ये तो ट्रैफिक यहाँ का बहुत ही मतलब कि ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस जगह। तो ये देखो मतलब गाड़ियाँ अभी तो ठीक है, पर शाम के टाइम पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो पर यहाँ पे है लोगों को स्किल्ड है लोग, और स्किल है कैसे निकालना है कैसे नहीं, तो एक्सीडेंट भी नहीं होता और लोग इजीली निकाल भी देते हैं यहाँ से। जो स्ट्रक्चर है ना वो मतलब कि अभी ओल्ड ही है यहाँ पे, तो अच्छा भी है यार। देखो एक ओल्ड रहनी चाहिए यादगार चीज़ है ना, कि पुराने टाइम की, तो जितने मर्जी एडवांस हो रहे पर पुराना वक्त में भी बोलना चाहिए। जैसे मैं उस समय आया था तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा चेंज होगा, पर नहीं, इतना नहीं है, एटलीस्ट ठीक है। ये लग रहा है कि हमें पुराने वाले कानपुर भी आया हूँ। तो ये देखो जी बहुत ही लाजवाब, ये होल सेल वगैरह की, करियाने की दुकानें वगैरह। तो गाइस अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, तो यहाँ से देख सकते हो डबल लाइन स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से थोड़ा मतलब आपको बिल्डिंग वगैरह थोड़ी एडवांस नज़र आने लग जाएगी। तो अभी जहाँ पे हमने स्टे किया था कल आके, वो वाली ये वाली जगह देख सकते हो, कितनी प्यारी जगह है। और ये दो बेड लगे हुए हैं और दो रूम थे इस तरह के, वहाँ पे जेंट्स चले गए थे, यहाँ पे लेडीज। अब आपको लग रहा होगा कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे, क्वेश्चन तो आपके माइंड पे सबके चल रहा होगा ना। शिवानी से मिलने तो आया ही हूँ अगर मिल जाए तो, बट वैसे यहाँ पे मैरिज थी, जो ना हमारे रिलेटिव्स हैं कानपुर में उनके यहाँ पे, ये देखो जी मेरी गोदी में आना चाह रहा है ये, तो वहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे और ना शादी इंजॉय करेंगे, पर वो यहाँ नहीं है, बिठूर के पास एक जगह है श्री गंगा वैली, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे जाके शादी इंजॉय करनी है, वहीं पे सारी शादी के शादी है। तो मैं आपको चलो व्यू दिखा दूँ यहाँ से कौन सी जगह है। ये देखो जी
आउटसाइड का व्यू आप एक बार एंजॉय करो। इस तरह का आउटसाइड का व्यू है, मेन रोड पे ही है ये वाली जगह कानपुर की। और कानपुर यार सिटी अच्छी थी। कल मैं रात को गया था तो वहां पे जाके मैंने एक हनुमान चाट खाया और भाई साहब लिटरली क्या चाट था, हाय 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 लाजवाब। अच्छा तो आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से आए हो? मैं आई वाराणसी से। मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो वाराणसी से आई है, तो ये उनका छोटा बेटा है और हर्ष के ना जैसा ही है ये भी एज का ही, और ये बड़ी बेटी है तो ये भी आए हुए हैं तो देख सकते हो। और साहिबा वगैरह रेडी हो गई है, मैं ही नहीं हुआ हूँ, पुराने कपड़े वगैरह पहने, मम्मी भी रेडी है तो चलो चलते हैं। चलते हैं साहिबा, रेडी हो? हाँ बिल्कुल रेडी है, चलो चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, अभी तो कुछ घूमा ही नहीं है, बस स्ट्रीट देखी, स्ट्रीट ही बहुत अच्छी है तो मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। चलो चलते हैं, पहले रिजॉर्ट जाते हैं, पहले फंक्शन अटेंड करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ फंक्शन, उसके बाद आके आपको स्ट्रीट घुमाते हैं, कानपुर शहर घुमाते हैं। चलो तो गाइज में अगर मैं आपको बताता हूँ, कानपुर जो फेमस है ना वो है चमड़े के लिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हम जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं कानपुर के कचौड़ी सेक्शन के, यहाँ से हम कचौड़ी वगैरह लेंगे अभी। तो यहाँ की कचौड़ी कैसे मेकिंग होती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखो जी कचौड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी यहाँ से देखो आपको मेकिंग दिखाता हूँ कैसी है ये वाली। तो ये किस तरह से बनाई जाती है, ये पहले पेड़े कर लेते हैं, उसके बाद ये इस तरह से मतलब उस पर फीलिंग होती है, फिर उसके बाद इस तरह से खसखस बन जाती है। भैया इसमें क्या क्या डालते हो? भैया इसमें उड़द की दाल होती है। हाँ जी, एक आटे में कसूरी मेथी है, कचौड़ी मसाला है, ओके, अजवाइन है, बेसन है, नमक है। ठीक है, लोकेशन क्या आपकी है भाई? भैया गुमटी नंबर 5 और ओम नगर वाली गली के कॉर्नर पर। कौन से नगर वाली? ओम नगर। ओम नगर, ओम नगर जी। चलो ठीक है। तो गाइस जब भी आप कानपुर आते हो या कानपुर के रहने वाले हो तो भैया के पास ज़रूर आना, और ये वाली जो कचौड़ी है तो मुझे तो भाई मेकिंग बड़ी अच्छी लग रही है इसकी, खाने के बाद टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो भैया टेस्ट कैसा है इनका, आप हमेशा आते हो इनके पास? हाँ, तो भैया की मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि टेस्टी है। तो ये वाली मेकिंग आप देख रहे हो, वो पेड़े करके एट अ टाइम बनाया है तो नाइस। और ये देखो प्रिपरेशन, सो गाइस अभी फाइनली देखो जी कचौड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सबको, और इसके लिए बड़ी हल्ला वल्ला सा होने लग पड़ा है। ये देखो जी कैसे खा रहे हैं सारे आंटी, देखो इंजॉय कर रही हैं काफी टाइम के बाद। कितने साल के बाद खा रहे हो यहाँ की कचौड़ी आप? 10-15 साल हो गए आंटी को, पर ये नकल यहाँ पे ना कानपुर आते रहते हैं। ये देखो वंश आ रहा है और अंकल लोग सारे। आप अच्छी लग रही है, आपने फर्स्ट टाइम खाई ना यहाँ की कचौड़ी? ओके, अजी जो कैसी है वाराणसी की अच्छी है कि यहाँ की अच्छी है? कहाँ की अच्छी लगी? वो तो अपने शहर की अच्छी लगेगी, बनारस की अच्छी, तो अपने शहर के तो सबको अच्छी लगती है। कानपुर की उतना कचौड़ी में दम नहीं जितना बनारस, बनारस की। चलो हम बनारस आएंगे तो बनारस की खिलाना, बनारस जैसा नहीं है कचौड़ी। ओके जी, बनारस का ब्लॉग तो आपने देखा ही था, फिर जब बनाएंगे तो कचौड़ी स्पेशल ब्लॉग भी बनाएंगे।